Hi everyone, this is Shuli from Shuli's Kitchen. Welcome back to my channel. आज की रेसिपी है मेदू बड़ा. मेदू बड़ा बनते हैं उड़द की दाल से. तो हमें सबसे पहले उड़द की दाल को हमें भिगो के रखना है ओवरनाइट. उसके बाद हमें उसका एक फाइन पेस्ट बनाना है. जितना कम पानी डालेंगे उतना ही बढ़िया बैटर बनेगा और उतना ही बढ़िया फिर आपका मेदू बड़ा बनेगा. 2 कप्स मैं उड़द की दाल ले लेती हूँ. दाल को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसमें मैंने पानी डाल दिया है. अब इसको मैं 8 to 10 आवर्स रख दूंगी. दाल को मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था. रात भर ये अच्छे से सोख होके देखिए कितने बढ़िया बन गया है. अब इसका मैं एक स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ. आपके पास अगर छोटा ग्राइंडर है तो आप बैचेस में बैटर को बना लीजिए. अब मैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है. हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका कोशिश करेंगे बैटर को जितना ज़्यादा हम ठीक बना सकते हैं. अब इसमें मैं 2-3 टेबलस्पून पानी डाल देती हूँ. ये 1 टेबलस्पून डाल दिया, 2 टेबलस्पून डाल दिया, 3 टेबलस्पून डाल दिया. अब हम वापस कोशिश करते हैं. 3 टेबलस्पून मैंने पानी डालने के बाद चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है. देखिए मैं और 2 टेबलस्पून पानी डाल के कोशिश करती हूँ कि और एक बार अच्छे से मिक्स होके अच्छे से ग्राइंड हो जाए. ये 1 टीस्पून डाल दिया. और 1 टीस्पून डाल दिया. अब हम इसका और 1 मिनट और कर लेते हैं. अब ये हो गया है पेस्ट. इस बोल में निकाल लेती हूँ मैं. बिल्कुल ये थिक बैटर होना चाहिए. देखिए इसमें से नहीं गिर रहा है. तो ऐसे ही बैटर मेदू बड़ा के लिए हमें चाहिए. बैटर बनके तैयार हो गया है. थोड़ी सी चीजें मिला लेते हैं. 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाल देती हूँ. 1/4 टीस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल देती हूँ. और इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक, करी पत्ता और हरी मिर्च की पेस्ट तीनों को मिला के मैं इसमें डाल देती हूँ. और इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं. मैंने पैन में यहाँ पे ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है. ऑयल गरम हो गया है. अब हम हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के और ऐसे ही हम ऑयल में डाल देंगे. वापस एक ले लिया मैंने. इसको बीच में से थोड़ा सा होल कर लेंगे और इसको ऑयल में डाल देंगे. ऐसे ही करके हमें सारे बना लेना है. देखिए ऐसे ही होल बना लिया और ऐसे ही फिर हम ऑयल में डाल देंगे. सेकेंड बैच भी बना लेते हैं. एक तरफ हो जाते ही हम दूसरी तरफ वड़े को पलट देंगे. देखिए वड़े बनके तैयार हो गया है. हम हीट को बंद करते हैं और इनको ऑयल से हम निकाल लेते हैं. मेदू बड़ा बनके तैयार हो गया है.
देखिए कितनी क्रिस्पी बने हैं, आपको आवाज से समझ में आ रहा होगा। मेदू वड़ा को बनाने के बाद आप सांभर में इसको ऐसे ही भिगो के रख लीजिए थोड़ी देर। बहुत ही टेस्टी लगता है कोकोनट चटनी के साथ मेदू वड़ा खाने में। आई होप यू लाइक माई टूडेज रेसिपी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इफ यू लाइक माई रेसिपी शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन ईट फ्रेश, स्टे हेल्दी।